हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी जियो। हमारे चैनल की श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपके बालों के लिए कुछ हेल्दी और यूजफुल लाए हैं। आजकल लोगों को बालों को लेकर और शैम्पू को लेकर इतनी सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, बालों का ड्राई होना, फ्रिजी होना, बालों का झड़ना और बहुत कुछ। कुछ लोगों को तो स्कैल्प इश्यूज या स्कैल्प प्रॉब्लम्स ही रहने लगे हैं। आज सभी तरह की हेयर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हम आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो पूरा जरूर देखें ताकि इन सॉल्यूशंस को आप अच्छे से यूज करें और गलती से भी कोई गलती ना करें कि आपके बालों को कोई नुकसान हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेयर प्रॉब्लम्स का बेस्ट और नेचुरल सॉल्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हेयर वॉश के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है। मार्केट में इतने प्रोडक्ट्स हैं कि सोल्यूशन की बजाय हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या खरीदें और क्या ना खरीदें। क्या हमारे बालों को ये सूट करेगा, क्या हमारे बालों के लिए सेफ है। कई बार तो चॉइस का बेसिस ही ये रह जाता है कि शैम्पू महंगा है तो जरूर अच्छा ही होगा। तो आइए अब आपको बताते हैं बालों से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स का बेस्ट सोल्यूशन, एक नेचुरल क्लेंजर। इसे आप तीन बेसिक इंग्रेडिएंट से बना सकते हैं, आंवला, रीठा और शिकाकाई। ये देखिए, जब आप इन्हें यूज करें तो ये अच्छे से ड्राई हो। रीठा बीज वाला भी होता है, इसे आप बीज के साथ या बिना बीज के भी यूज कर सकते हैं। और ये देखिए, ये हैं शिकाकाई की फलियां। इसे बनाते समय क्वांटिटीज का ध्यान जरूर रखें। 100 ग्राम आंवला, सूखा आंवला हो, 100 ग्राम रीठा और 100 ग्राम शिकाकाई, तीनों बराबर क्वांटिटीज में हो और ड्राई हो। तो आइए अब बनाते हैं इस नेचुरल क्लेंजर को। आइए सबसे पहले इन्हें कूट लेते हैं। क्वांटिटी जितनी कम होगी उतना ही अच्छे से कूटा जाएगा। सबसे पहले आंवला डालते हैं, इसे कूट लीजिए। फिर हमने शिकाकाई की फलियां डाली हैं, इन्हें कूटा है। और अब रीठा, इसे बीज के साथ ही कूट लिया है। अगर ये इंग्रेडिएंट्स कूटे ना जाएं, तो मिक्सी में इन्हें ग्राइंड कर लें। इसे पाउडर ना बनाकर थोड़ा दरदरा ही रखें। ये देखिए, आप चाहें तो इसे और भी बारीक कर सकते हैं, वरना इतना बारीक भी ठीक है। ये इन तीनों का मिक्सचर है। ये रीठे के बीज हमने अलग से निकाल लिए हैं, इसे भी इनके साथ ही मिक्स कर लेते हैं। इस मिक्सचर को अब आप एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफर करें। आप इसे लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, 6 महीने, साल। ड्राई फॉर्म में ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। आइए अब इसे पका लेते हैं। काली कढ़ाई में 2 चम्मच डालें। 2 चम्मच एक जने के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। इसमें हमने पानी डाला है 1 गिलास और फिर आधा गिलास और 1.5 गिलास पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करें। अब इसे खूब अच्छे से बॉईल होने दें। काली कढ़ाई की अपनी इम्पोर्टेंस है। काली कढ़ाई में बॉईल करने से हमें इसका आयरन मिलेगा और साथ ही काला रंग भी मिलेगा, जो नेचुरल डाई का काम करेगा। जब आप इसे बॉईल करेंगे तो इसमें झाग बनेगी। यह झाग रीठा के कारण आ रही है। रीठा जितना ज्यादा होगा झाग उतनी ही ज्यादा बनेगी, इसलिए घबराए नहीं। अगर आपको लग रहा है कि ये काफी टाइम कंज्यूमिंग है या झंझट वाला काम है, तो यह सब आपके बालों के लिए ही है। नेचुरल प्रोडक्ट्स आपके बालों को बाजार में मिलने वाले केमिकल वाले शैम्पू की तरह डैमेज नहीं करेंगे। इसे हम बार बार क्लेंजर इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बाजार वाले शैम्पू की तरह आपको ढेर सारा झाग नहीं देगा। अगर आप ज्यादा झाग वाला क्लेंजर बनाना चाहते हैं, तो 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम शिकाकाई के साथ
200 ग्राम तक रीठा डाल सकते हैं। यह मैक्सिमम क्वांटिटी है रीठा की जो आप इस प्रोपोर्शन के साथ यूज कर सकते हैं। आप इसे खूब बॉईल कीजिए, 10 से 15 मिनट तक इसे जरूर पकाएं। जब आपको लगे कि क्वांटिटी आधे के करीब रह गई है तभी गैस बंद कीजिएगा। अब देखिए ये ऑलमोस्ट आधा ही रह गया है और हमने गैस भी बंद कर दी है। अब हम इसे 10 से 12 घंटे तक या कहिए रात भर ढककर रख देंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग हम ये ढक्कन हटा रहे हैं। अब देखिए ये कितना काला हो गया है और अगर पानी देखें तो पानी भी काफी कम रह गया है। अब आप इस मिक्सचर को अच्छे से मसल लें ताकि सारा पानी और न्यूट्रिएंट्स निकल सके। यही रीजन था इस मिक्सचर को थोड़ा मोटा रखने का। अगर यह पाउडर फॉर्म में होता तो मसला ही नहीं जाएगा। जब आप इसे मसलेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपके हाथ भी काले हो रहे हैं। यही प्रूफ है ब्लैक नेचुरल डाई का। अगर आप चाहें तो ये मसलने वाला काम आप ग्लव्स पहनकर कर लीजिए अगर आपको लग रहा है कि आपके फिंगर्स या नेल्स पर काला रंग आ रहा है। हमने बॉईल करते समय हाफ वाटर क्वांटिटी छोड़ी थी लेकिन इस दरदरे मिक्सचर ने इस पानी को सारा एब्जॉर्ब कर लिया है। ये देख रहे हैं आप कितना काला हो गया है। यही लोहे की कढ़ाई का कालापन है जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था। ब्लैक नेचुरल डाई की तरह यूज हो सकता है ये। अब इसे छान लेते हैं। छानते समय आप चाहें तो छन्नी का इस्तेमाल कर लें या फिर किसी कपड़े में भी इसको छान सकते हैं। जैसे भी छाने आप कोशिश कीजिए कि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। तो ये देखिए अब तैयार है 2 चम्मच मिक्सचर और 1.5 ग्लास पानी से एक बार धोने के लिए शैम्पू। ज्यादा लिक्विड बनाने से आप इसके न्यूट्रिएंट्स का मैक्सिमम बेनिफिट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा ये बॉईल हो जाए और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाए। ये इन 3 मैजिक इंग्रेडिएंट्स से हमने बनाया है नेचुरल क्लेंजर जो आपको आपके बालों और स्कैल्प से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इनिशियली अगर आपको लगे कि यह काम नहीं कर रहा है लेकिन मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ कि यह आपके बालों को बाजार में मिल रहे केमिकल वाले शैम्पूज की तरह डैमेज नहीं करेगा। जब भी आप इसे यूज करें जल्दबाजी में यूज ना करें। इसे यूज करने से पहले तेल जरूर लगाएं। अगर आपको लग रहा है तेल लगाने जितना टाइम नहीं है तो 15 से 20 मिनट पहले बालों में दही का इस्तेमाल जरूर करें। इसे लगाकर खूब पानी से धोएं और पानी को अपना काम करने दें। जब आप बालों को धोएंगे उस टाइम बालों को ज्यादा रगड़े नहीं। गीले बाल सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं इसीलिए खूब पानी डालें और पानी को अपना काम करने दें। आप देखिए ये हमारा टोटल ड्राई मिक्सचर है जिसे हमने एयर टाइट कंटेनर में अच्छे से बंद करके रखा है। यह 100 ग्राम रीठा, 100 ग्राम आंवला और 100 ग्राम शिकाकाई है। ये सभी चीजें आपको बाजार में 30 से 40 रुपए तक मिल जाएंगी और आप इसे 10 से 12 बार यूज भी कर पाएंगे। तो देखिए ये बाजार वाले शैम्पू से कितना किफायती है, इकोनॉमिकल है, पॉकेट फ्रेंडली होने के साथ साथ ये आपके बालों का भी ख्याल रखेगा। हेल्थ से रिलेटेड और वीडियोस के लिए हमारे चैनल हेल्दी जियो को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें।